राधे राधे हमारी YouTube फैमिली, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई यात्रा पर। तो अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, बांके बिहारी और बाकी के मंदिरों में दर्शन करने के लिए। निकल चुके हैं बाहर की ओर और दोपहर हो चुकी है, दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 3 बज गए हैं और 4 बजे सारे मंदिर ओपन हो जाते हैं। ये सारे भाई लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं ऑटो में बैठ कर। यो बात पहले कह देते तो हम तो ऐसे ही कूद जाते, फ्री में छोड़ दिया भैया ने हमें यहाँ तक। चलो राधे राधे भैया, हमें फ्री के नाम पे कैसे कूद के उतरे हैं सारे। भाई जाम में फंस गया, अभी तो स्टार्टिंग ही करी थी हम लोगों ने। केसी घाट से आधा किलोमीटर पड़ेगा बांके बिहारी। अच्छा, केसी घाट से आधा किलोमीटर पड़ेगा बांके बिहारी। और बांके बिहारी घाट कहाँ गए? राधा वल्लभ वही बगल में। राधा वल्लभ और उसके बाद इस्कॉन मंदिर के बाद प्रेम मंदिर, फिर वृंदावन की गलियां। वाह यार, क्या गलियां है वृंदावन की। भाई हट जाओ। राधे 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 जी। कहाँ से? सामने से बांके बिहारी जाएं? इधर से ना जाएं? इधर से गड़बड़ हो जाएगा। इधर से निधिवन वगैरह पहुंच जाएंगे, है ना? अच्छा, तो हमें इधर जाने की बजाय इधर जाना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे कीजिए वृंदावन में यमुना जी के दर्शन। बहुत प्यारा नजारा आ रहा है। नजारा इस वजह से मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ क्योंकि हम यमुना जी पे खड़े हैं। यमुना किनारे मेरे पैर के साथ एक हादसा हो गया। यहाँ के एक नाविक ने लोहे की रॉड नुकीली मेरे पैर पे घुसा दी। उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। वो लोहे का जो था ना, ऐसे पैर पर छोड़ दे मेरे डायरेक्ट। अबे ये भी सही कह रहा है, वो इतने नशे में था उसे पानी में धक्का देते, पता नहीं चलता। मेरे पास रुमाल तो था नहीं एग्जैक्ट पॉइंट पे पैर पे बांधने के लिए, तो एक भाई ने अपना रुमाल दे दिया मेरे को और मैंने पैर पे बांध दिया। इंजेक्शन भी लगवाइए, लोहा है। हाँ, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा इसका, है ना, फिटनेस का। राधा रमन मंदिर अभी बंद है तो हम जा रहे हैं निधिवन की ओर। गेट नंबर 2 से एंटर हो रहे हैं। ये यहाँ का चप्पल जूते वाला इलाका है। पानी की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये यहाँ का प्रवेश द्वार है जो कि हम एंटर कर चुके हैं। निधिवन को चौड़ा कर दिया गया, पहले बहुत छोटी जगह थी। यहाँ से मंदिर घुसने की चांसेस ज्यादा है वैसे। अभी ये इनकम्प्लीट है, काम चल रहा है, कम्प्लीट होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। राधे राधे। यह मान्यता आज भी है कि निधिवन में राधे कृष्णा आधी रात के बाद आते हैं और यहाँ पे रास रचाते हैं। रास रचाने के बाद वो निधिवन में स्थित रंग महल में विश्राम करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री रखा जाता है प्रतिदिन। निधिवन पहले से ज्यादा सुंदर हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे खुदाई भी चल रही है अंदर की ओर। देखिए बहुत छोटे छोटे ऐसे गड्ढे खोद रखे हैं। यहाँ पे अभी भी कार्य चल रहा है। ये पेड़ों को काटना नहीं है इन्हें, आधा काम कम्प्लीट हो चुका है और आधा रह गया। तेज अंकल जी, तेज और तेज और तेज। चोरी राधा रानी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बंसी चोरी राधा रानी का मंदिर है। चलते अंदर दर्शन के लिए। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो चोरी छुपे कृष्ण जी को देख लेता है, उनकी समाधि बना दी जाती है यहाँ पर, मिलता है उन्हें ऐसा सौभाग्य। इसके बाद भागते हुए हम जल्दी जल्दी पहुँचे राधा रमन मंदिर। इससे सबसे छोटे कृष्ण जी की तस्वीर है यहाँ पे। उनका बाल जरूर मन करेगा कि आप घर चले जाओ। एक दो बार ये जा भी रखे हैं, इसलिए इनके पर्दे बार बार हर 15 मिनट में बंद करे जाते हैं और खोले जाते हैं। नकुल राणा 17 भेज देना यार। यहाँ पर हम राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही थी। जैसे ही दर्शन के लिए द्वार खुले और हम इतनी तेज भागते हुए गए हैं कि हम सबसे आगे ही पहुंच गए। हमने तो सेकंड देखा ही नहीं कभी, हम तो पहले ही लाइफ में फर्स्ट रहे हैं। अबे हट जा, फर्स्ट तो नहीं आए लेकिन अरे इधर मुड़, इधर 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 भेज रहे हैं। हम सही में काफी तेज निकले थे दर्शन के लिए, लेकिन फिर भी हमको इंतजार करना पड़ा क्योंकि वहाँ के पर्दे अभी लगे हुए थे। हमें तकरीबन 1.5 घंटे लगे थे इनके दर्शन करने के लिए, हमने इंतजार किया। यहाँ पर बहुत भीड़ थी तो हमने सोचा अब चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। राधे राधे। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए प्लानिंग हमारी कुछ ऐसी ही थी, सोचा भी हमने यही था। अब हम थोड़ी देर में बांके बिहारी मंदिर पहुँच ही जाएंगे लगभग। किसी ने ऐसी भी मतलब में रंग डाल दिया, मैं अंदर जा रहा था दर्शन करने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो हमको राधा वल्लभ मंदिर तक ले आई।
जब भीड़ होती है तो ये वाला रास्ता खोला जाता है मंदिर के पीछे की साइड वाला। यहाँ पे स्वास्तिक बना रखा है लोगों ने, मंदिर जाने का रास्ता है और हम इधर की तरफ मुड़ चुके हैं। चलो चलो चलो। मंदिर के अंदर एकदम से घुसते हुए देखा बहुत ज्यादा भक्ति भाव वाला माहौल चल रहा है। फिर हम ऊपर पहुँच गए और हमने कोशिश करी दर्शन करने की। इनकी वजह से मेरे साफ दर्शन नहीं हो पा रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रभु की कृपा से ये खुद सामने से हट गए। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद हमने लोगों के भाव रिकॉर्ड किए। काफी आनंद से भरा रहा और हमने यहाँ के मुख्य पुजारी जी के भी दर्शन किए। हालांकि मेरे को फोटो खींचने के लिए अलाउ कर दिया था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद हम सब निकल गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। हमको पता चला या तो दर्शन होंगे बहुत लेट या फिर दर्शन क्लोज हो जाएंगे, तो हमने ऑटो पकड़ लिया इस्कॉन टेम्पल के लिए। अरे ना, ना, बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही। चल राधे राधे कर दे, राधे राधे। कहाँ इस्कॉन, कहाँ इस्कॉन? इधर है। चलो इस्कॉन टेम्पल, हम फाइनली इस्कॉन टेम्पल पहुँच जाएंगे। फाइनली हमारे इस्कॉन के दर्शन होने वाले हैं। मजाक से हट के मजा आने वाला है। बहुत मूड खराब हो गया, एंट्री बंद हो रही है। आपको बता नहीं सकता किस तरह से ये तो भाई मूवी में दर्शन ना हो पाने का गम और दुख हमने इस तरह का मनाया कि हमने सबने एक साथ चाउमीन खाई, फास्ट फूड खा के अपना शरीर खराब किया। इसके बाद हम पानी के बताशे खाने के लिए पहुंचे, वो मेरे को थोड़े से महंगे लग रहे थे। आठ दे दो, हाँ चलो आठ दे दो। अरे दे दो यार भैया, ये भाई ने डील करी 20 रुपए के 8 पानी के बता दे, डील अच्छी करता भाई तू। सबसे पहले हमने अपनी बस पे पहुंच के टेस्टी खाना खाया और उसके बाद हम डांस करने के लिए निकल गए। ये अपना बस का मतलब, ये अपना ग्रुप देखो कहाँ डांस कर रहा है, मतलब हमें डांस से मतलब है कहीं भी मिल जाए। ये देखो यार, ये अपना ग्रुप है। वो गिर गया गिर गया गिर गया। मर्डर हो जाएंगे वो। क्या हो गया? क्या इनके मिनी डीजे पे हमने काफी देर तक डांस किया और नए नए दोस्त बनाए। सुबह शाम आठो याम यही राम लिए जा, खुश होंगे। ये अपना ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है जिनके डीजे पे पहले हम डांस कर रहे थे। अपना ग्रुप कितना बड़ा हो गया, ये सारे अपनी बस के लोग डांस कर रहे हैं और किसी और की बस के सामने, समझ रहे हो, किसी और की बस का डीजे लगा हुआ है और अपना पूरा बस का ग्रुप डांस कर रहा है यहाँ पर। और इधर की साइड देख सकते हैं उनका ग्रुप इतना छोटा हो चुका है। काम का अब तीसरा यहाँ में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई, लैंग्वेज ही चेंज कर दी यहाँ डांस की। ले ले भाई, अबे क्या कर दिया यो, अबे यो क्या कर दिया, यो क्या कर दिया। ओ भाई पिक्चर अभी बाकी, आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, लास्ट मतलब पार्ट में पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कितना रोला और क्या रोला काटा है।